कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। वहीं अब तक कोरोना वायरस के कारण भारत में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 70 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी के चलते जबलपुर में कोरोना वायरस से बचने के लिए कैदियों को मास्क बनाने के आदेश दिए गए हैं। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, जिसके लिए चेहरे पर मास्क, साबुन से हाथ धोना और सर्दी खांसी से ग्रसित मरीजों से दूर रहना होगा। वहीं जबलपुर शहर के बाजारों में मास्क की कमी को देखते हुए कलेक्टर ने सेंट्रल जेल के कैदियों को मास्क बनाने का आदेश दे दिया है। इसके लिए कुछ मास्क के सैंपल जेल भेजे गए हैं ताकि कैदी इन्हें देखकर मास्क बना सकें। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैद रहने का आदेश दिया है, जिसके चलते विदेशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। CMO साहब का ऑर्डर था कि उन्होंने एक सैंपल भेजा था कि इस प्रकार के मास्क बनाना है, तो हमने उसका उस सैंपल का मास्क बना के उनको उपलब्ध करवा दिया था, और यदि हमको ऑर्डर मिलेगा तो हम बिल्कुल बनाने के लिए तैयार हैं। ये अभी जो है हमारे चिकित्सा अधिकारी लोग भी जो भी है उसकी जो भी उचित व्यवस्था करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की जो भी रहेगा वो सब काम होगा, और उसमें हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ के लिए सक्षम है, हमारा जेल प्रशासन और तैयारी पूरी है। हमारे पास हर विधा के बंदी ट्रेंड है, और जेल प्रशासन हर विधाओं में बंदियों को ट्रेंड करता रहता है, और जैसा भी हमको जिला प्रशासन या शासन की ओर से ऑर्डर होगा हम उसकी कार्रवाई करने के नियमानुसार तैयार हैं। या कोई स्पेसिफिक मास्क हो तो उसके लिए डबल लेयर मास्क बनाने की व्यवस्था हमारे जेल में, केंद्रीय जेल में भी जो है सिलाई मशीन है, स्वच्छता समूह के पास सिलाई मशीन है, हमारे यहाँ गारमेंट क्लस्टर भी है, गारमेंट का हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम है, तो आज हम उस पर भी एक प्लानिंग करने वाले हैं कि कैसे डबल लेयर मास्क कम दाम में आसानी से सबको उपलब्ध हो, क्योंकि अभी बाज़ार में भी मास्क की कमी हो गई है, सैनिटाइज़र की भी कमी हो गई है, तो एक तो अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या उसको महंगे दामों में बेचने का कोई लोग प्रयास कर रहे हैं तो उन पर सख्ती से हम कार्रवाई भी करें, छापा डालें, और मास्क की और सैनिटाइज़र की आसानी से उपलब्धता हो वो सुनिश्चित कैसे कराया जाए, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। बाकी सेपरेट आइसोलेशन वार्ड विक्टोरिया में है, मेडिकल कॉलेज में है, आपका सिटी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल्स जो बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी रहे, उसमें हम कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा। अब जो हमारा जो सैंपल जाना है वो पुणे नहीं जाना है, अब वो जबलपुर की ही लैब जो NIRTH है वो अधिकृत हो गई है, तो उनसे सही से कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से जाए चाहे शासकीय अस्पताल से जाए, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो, क्योंकि भोपाल की और जबलपुर की लैब MP के सभी जिलों के लिए जो है अधिकृत की गई हैं, तो हमारे लिए तो हमारे ही यहाँ लैब है, तो उसका हम कैसे सही से काम करा पाएँ। इन सब चीज़ों पे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, रेलवे से कैंट से, रेलवे और कैंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैसे काम हो, जो मल्टीप्लेक्स है उसमें व्यापक प्रचार प्रसार, IEC एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा मिले, क्योंकि IEC एक्टिविटीज़ जैसी होना चाहिए वैसा अपेक्षित नहीं हो रही हैं। मेट्रो बसेज में हम फ्लैक्स लगवाएँ, हम कुछ हैंडआउट्स अखबारों में के माध्यम से अंदर रखवा के बटवाएँ, अन्य विभागों की भी जो IEC की एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ावा कराएँ, IMA है और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनका सहयोग लें, तो कैसे प्रचार प्रसार भी इसका अधिक हो, इन सब चीज़ों को लेके अभी हम लोग बैठक करने वाले। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।